यहाँ पे ना प्रॉपर 15 किलो मीट की हम मेकिंग दिखाएंगे जिसके अंदर अल्कोहल जाती है। अच्छा जी, तो अचानक ही एक दिन दिमाग में ही यार पीते भी हैं, खाते भी हैं, फालतू तो दूसरे के यहाँ से खरीद के खाते हैं, दूसरे के यहाँ से पी के पीते हैं। तो आपने कहा अपना ही खोल लो। उन्होंने कहा कि यार अपना ही खोल लेते हैं। मटन कोरमा 45 रुपए। प्रॉपर तरीके से पका हुआ भाई, वाह। निकाली बाइट और ये ग्रेवी में डिप किया। 3, 2, 1। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? ओके, जयपुर में आपको पता ही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल शहर। यहाँ ना मेरा फेवरेट मीट मिलता है, बोले तो मटन, और दबा के मिलता है, ज़ोरों से मिलता है। जिस जगह पे आज मैं आया हूँ ना, इस जगह का नाम है जायका टेक अवे सिंस 1996। यहाँ का हिसाब किताब पता है क्या है? ओके, यहाँ के करते धरते हैं पृथ्वी, अ यंग पैशनेट कुक, ऑल्सो द ओनर ऑफ द प्लेस, हु इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अब सीन क्या है कि यहाँ मैं इसलिए आया हूँ, इज ओनली बिकॉज यहाँ पे ना प्रॉपर 15 किलो मीट की हम मेकिंग दिखाएंगे जिसके अंदर अल्कोहल जाती है। अच्छा जी, विस्की जाती है, पता नहीं, एनीवे अल्कोहल जाती है और स्पाइसी तरीके से बनाते हैं। तो इस वीडियो में क्या करना है, एक तो पूरी मेकिंग देखेंगे जिसको देख के मज़ा आता है, एक रेसिपी सीखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है, पता चलता है मटन बनाने के कितने तरीके हैं, ठीक है, वो देखेंगे। साथ में कहता है वो मटन चाप खिलानी है एक हमारी, एक प्रॉपर थाल बनाएंगे उसमें मटन की एक दो आइटमें रखेंगे, चाप और एक और कहते हैं, साथ में ऑब्वियसली जो मीट खा रहे हैं वो तो ट्राई करना ही करना है। वीडियो के अंत तक बनना है, वो इसलिए ज़ोनली कुछ पानी तो आएगा आएगा, कुछ सीखेंगे और रेसिपी देखेंगे और वो अल्कोहल देखेंगे। वीडियो के अंत तक बन रहना, जैसे का बहुत मज़ा आएगा। गाइस, ये जगह की लुक एंड फील है जायका टेक अवे। मैं दोपहर के समय हूँ, इस टाइम ये प्रिपेयर करते हैं शाम के लिए, और जो भी सारी कुकिंग होगी ना आउटडोर में होगी। ये देख लिया, तंदूर का काम चल रहा है, वो देख रहे हो सारे स्पाइसेस कैसे रख रहे हैं, सरसों का तेल वगैरह। हाँ जी, सेटिंग कर रहे हो, क्या हाल है? कि माइक पहनना एक मिनट, ए ऐसे बनाते हैं, क्या हाल है, सब ठीक ठाक? बढ़िया शोएब है। पृथ्वी, नाम इतना सुना आपका मैंने जयपुर में, क्या एज आपकी पूछ सकता हूँ? 23 रनिंग है। अच्छा, यंग, पैशनेट? हाँ पैशनेट, आपकी वीडियोस बहुत देखता था मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो रात को जब घर जाके सोने वाला टाइम होता था तो आपकी वीडियोस बहुत देखता था मैं, और वंडरफुल, शायद उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिला था लाइफ में कि यार आप मुझे पता कितना बड़ा क्रेडिट दे रहे हो, आई बी सो हैप्पी। हाँ, मैं सोचता था, मैंने जब रेस्टोरेंट यहाँ पे वापस शुरू किया था पापा के क्लोज करने के बाद, तो मैं बोलता था अपने स्टाफ को भी कि कोई शूट करना आता था, मैंने कहा यार शोएब को जरूर बुला रहे हैं, इतना बड़ा दर्जा मत हो यार, मैं छोटा इंसान हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये सारे आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, सिनेमन, बे लीफ वगैरह वगैरह, जावित्री वगैरह है, पेपर वगैरह साथ, और ये आपकी है, ये तेजा मिर्च, तेजा मिर्च चाहिए, स्पाइसी ये सारे इंग्रेडिएंट 15 किलो के लिए ना? हाँ, 15 किलो के लिए, और साथ में सरसों का तेल है, बहुत बढ़िया, 4-4.5 लीटर के आसपास सरसों का तेल डालेंगे। अच्छा, खास बात ये रहती है कि इसके अंदर प्याज की क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है, मतलब मोस्टली ये होता है कि वहाँ चले, वहाँ दिखाते हैं साथ साथ, आ जाओ गाइस, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, यहाँ पे कुकिंग होगी और ये है जी कढ़ाई, यहाँ हो रही है चॉपिंग। क्या हाल है भैया, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। ये देखो जी, पूरी चॉपिंग शाम की वो हो रही है तैयारी, चालू कर सकते हो जब मन चाहे आप, ठीक है, करें? हाँ चलो, आ गया। ये इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अच्छा, सरसों का तेल बिल्कुल प्योर, बहुत तेज रहेगा, अभी आंखों में भी लगेगा, मैं इसलिए थोड़ा साइड आ गया, पीछे आ गया। राजस्थान में सरसों के तेल में खाने का बहुत तगड़ा क्रेज है, कुछ भी चीज़ हो, यहाँ पे चिकन भी लोग बोलते हैं, मतलब मोस्टली जगह तो रिफाइंड में बनाते हैं। बहुत लोग तेल जलाते हैं सरसों का, आप जलाते हो? नहीं जलाते? नमक डालेंगे, तो बोल के सरसों डाल देते हैं। एक सेकंड, इनसे भी मिलवा दूँ, पीछे मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड आया। हाँ जी, कैसे हैं जी? हेड शेफ हैं। हेड शेफ है, दबा के कटिंग चल रही है। अरे वाह वाह, करिए, मैं परेशान नहीं करना चाहता था, सिर्फ मिलवाना चाहता था एक बारी है। चलिए प्लीज करिए। कुकिंग टाइम कितना होता है इसका? 2.5 घंटे में पूरा बन जाता है। अच्छा, और एक वैसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये 15 किलो मीट जो बना रहे हो इस पर कितना किलो प्याज लगेगा? इसमें करीबन डालेंगे रफली 9 किलो के आसपास। ये नमक डालेंगे तेल को फाड़ने के लिए, पतला हो जाएगा तेल अच्छे से। लाल मिर्च और लहसुन दे है वाला, मतलब ये जब डलेगा ना इसमें तो अलग ही आपको फील आएगा। ये आ गए प्याज जी, अब प्याज डालेंगे। तेज पत्ता डालेंगे और तेज पत्ते के साथ में ये थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज चैनलाइज हो जाए। पता है गाइस, मैं ना बेंच पे खड़ा हूँ इस टाइम पे, हैं? ये देखो, ये देख रहे हो, क्योंकि शॉट लेना बड़ा मुश्किल है जिस ज़मीन से यार। ये कौन है जो साथ में आपके लगे हुए हैं? ये यहाँ का मैनेजर, किचन मैनेजर है। अच्छा, स्माइल बड़ी अच्छी है। अरे 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 अरे, इसको भी फूड मेकिंग का बहुत शौक है। अच्छा,
तो कई बार लोग आते हैं तो बोलते हैं आप ही हो क्या पृथ्वी, बोला नहीं नहीं वो तो भैया है। अब इसके अंदर मटन डालेंगे। अच्छा ये रेस्टोरेंट खोलने की भी ना बड़ी अजीब सी स्टोरी है, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, 96-95 की बात है। तो पापा वगैरह सब टी स्टॉल वगैरह लगाते थे, तो अचानक ही एक दिन दिमाग में यार पीते भी हैं खाते भी हैं, फालतू तो दूसरे के यहाँ से खरीद के खाते हैं, दूसरे के यहाँ से पी के पीते हैं। तो आपने कहा अपना ही खोल लो। उन्होंने कहा कि यार अपना ही खोल लेते हैं। चलो अच्छी बात। वो काफी यंग एज में उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर बीच में कुछ कैजुअलिटी हो गई तो 2011 में इसको क्लोज कर दिया था। और फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, इट्स बीन मोर देन 2 ईयर्स, तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया। मतलब मेरे पास आके काफी पुराने पुराने लोग बोलते हैं, अरे यार आप उनके लड़के हो, अरे यार आप उनके लड़के हो। मतलब डेली ऐसा नहीं होता कि कोई 2-3 कस्टमर नहीं है जो मतलब लिटरली काफी एज के हो गए, बोलते हैं कि हमारे आपके पापा के सामने इतने से थे हम। अच्छा स्कूल बंक करके आते थे, घर से रोटी लेके आते थे और यहाँ से मटन ले लेते थे आपके जायका पे। अच्छा छोटा क्वेश्चन, ये थोड़ा थोड़ा करके मीट डाल रहे हो, एक साथ ही डाल रहे हो, इसका कोई रीजन होता है या वैसे ही? ये क्या एक एक पीस है जो ये खोल खोल के डालते हैं, कोई आपस में चिपक जाता है, फिर किसी की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है साइज में, तो साइज के हिसाब से क्योंकि हमारा पीस साइज बहुत बड़ा रहता है। ठीक है हाँ जी। एक आप कह रहे थे वो मटन की आइटम खिलानी है, क्या थी और साथ में क्या? एक रोगन चाप है, एक तंदूरी मटन चाप है। चलो मैं दिखाता हूँ। क्या कौन सा नान? काली मिर्च नान। आपकी स्पेशलिटी है? पहले नहीं खाया मैंने। मैंने भी नहीं खाया था, कल ही खाया मैंने भी। चलो ठीक है। अच्छा गाइस अभी ना वो 5 मिनट लगेंगे शॉप पे, इसलिए हम वापस आ गए हैं, फिर वापस जाएंगे अभी। ठीक है ना, यही कह रहे एक कैसे मसाला ले मिनट? बढ़िया बढ़िया, पीते रहना अच्छी आदत है। मैं को स्टोन प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा मीठा नहीं। स्टोन प्रॉब्लम है आपको? निकल गए सारे स्टोन? नहीं बहुत सारे हैं अभी भी हैं। हाँ चार तो किडनी स्टोन, किडनी, गॉल ब्लैडर सब। बहुत पेन होता है यार। लहसुन का पेस्ट डाल रहे हो? हाँ एक बार पकड़ना है, पकड़ो मैं भाई। साथ साथ देखते रहो क्या हो रहा है ना, गप्पे भी मार रहे हैं। ये टाइम लगता है इसको, आप ये मत सोचो शूट से 5 मिनट का, आपके लिए तो जल्दी शॉट्स आ रहे हैं यार। 2.5-3 घंटे करना पड़ता है शूट आराम से। मैं तो बनता पैक ले लूँ एक, हम जो सही यार, ऐसा कोई मेरा मन नहीं था कहीं मेरे को मेरा नाम खराब कर दो तुम ब्लॉगिंग। गाइस अब तक मटन का अपडेट ये देख लो, ये है इस तरह से कुछ दिख रहा है। मसाले निकाल रहे हो जी? हाँ। एक सेकंड, ये मेन शॉट है, दिखा दो अच्छे से। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा ही। सो ये गई आपकी अल्कोहल। हाँ। ये मसाले हैं इसके अंदर। ये देसी अल्कोहल है? हाँ। ये कल मैंने पहली बार देखा ना रोज वाला, अलग ही स्वाद आ जाएगा। मतलब स्पाइस है ना जो बिल्कुल खुल के आएंगे इसमें, जो काम पानी में घोल के लोग दही में घोल के भी करते हैं उनकी रेसिपीज है ये, इसमें घोलने से हमारी क्या स्पाइसेस एकदम बरकरार रहती हैं। जो लाल कलर है ना इसका, लाल कलर देखो मिर्ची का कैसा चेंज हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है चुकंदर का पेस्ट है। पैक चल रहे हैं देख रहे हो जी? हाँ मटन के पैक चल रहे हैं इसमें, मटन के पैक चल रहे हैं। डाल रहे हो जी? हाँ जी। क्या खुशबू आ रही है यार मटन। ये बताओ ये पीछे क्या कर रहे हैं सारे ये हांडियाँ? ये इसमें मटका हांडी, मटन भी जाता है, चिकन भी जाता है। अच्छा। ये तांबे की हांडी है, इसमें भी चिकन मटन देते हैं, और एक पीतल की हांडी और है हमारे पास वो देते हैं, और एक इंडोलियम हांडी है। अच्छा। तो ये हांडी मीट्स इसमें सर्व करते हैं, हांडी मीट बना के। गाइस अभी एंड रिजल्ट है, अभी पका नहीं है, बट मैं आपको एक बार बीच में दिखा रहा हूँ, ये शक्ल सूरत है इसकी। चाप इसकी इसमें से निकालोगे ना तंदूर के लिए? इसमें से निकलती है तंदूरी मटन रोगन चाप के लिए भी, और रोगन चाप के लिए भी। ठीक है दोनों चाप इसमें से। गाइस अब ये उसी मसाले का पानी जो मसाला था डाल दीजिए। अब इसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ढक्कन लगाने का, लगा लो ढक्कन लगा लो जी। अंदर आ जाओ एक बारी पृथ्वी, थोड़ा दिखा दूँ किचन। कोई वो नहीं, ये देख लो। अरे अच्छा ही तैयारी हो रही है शाम की। गाइस यार दिखा रहे हैं आपको बड़ा कुछ स्पेशल, इनकी यादें दिखा रहा हूँ। 96 का मेन्यू सब से है ना, ये देखो मेन्यू देखते हैं इनका। बोलना एक चीज़ दिखाओ उसमें क्या क्या दिखा दी है। ये देखो जी चिकन फुल 210, बटर चिकन 200। अच्छा जी थोड़ा सस्ता है यार ये तो। चिकन कौरमा है? एक करी 30 रुपये की। वेरी गुड। मटन, मटन का मटन कौरमा 45 रुपये। हाँ प्राइस 45। अच्छा जी 6 पीस आते हैं आज तक संभाला वो मेन्यू यादों के लिए। हाँ यादों के लिए। ये इनके फादर साहब मेहनती इंसान जिन्होंने 96 में काम चालू किया था, सही कह रहा हूँ? कैमरे पे आना नहीं चाहते? आ जाते हैं
राम राम जी। शादी हो गई। अरे हंस नहीं रहे हैं, हंस नहीं रहे आप कह रहे हैं। सब आपके बच्चे हैं जी आसपास हैं। गाइस ये एक जल्दी से देख लो तंदूर वाला काम। ये कौन सी चाप है? ये तंदूरी चाप। ये है जी तंदूरी मटन चाप। तंदूरी मटन चाप और ये है रोगन वाली चाप। जी धनिया मटन रेडी है पूरा, दिखा दो एक बारी। गाइस मटन रेडी हो गया और ये फाइनल देख लो एंड रिजल्ट। कलर वाला रोगन सब आप देख सकते हो। ओए होए होए अच्छा जी डाल दो धनिया भी डाल दो हाथ में जो इतने से पकड़े आपने। इसके बिना अधूरा है मीट। धनिए की खुशबू मीट में नहीं होगी जब तक मीट का कोई मजा नहीं। हाँ जी दो नली डालना मटन देख लेना जी। सेकी साबुत नली फेवरेट नली। ऑलराइट गाइस खाना दे दिया है। ये है मैंने पहली बार देखा है मिंट चटनी। ये चटनी नहीं है इनके, ये मिंट शॉट्स है। बहुत पतली कंसिस्टेंसी है, इसे कह रहे सिप में ख़त्म करना। साथ में है नान ब्लैक पेपर वाला, नेवर हर्ड ऑफ। और ये है रोटी पे बोटी। ये है जी इनकी रोगन वाली चाप और ये थी तंदूरी चाप। आहा रोटी पे बोटी ये देख रहे हो। सो जयपुर में मैंने देखा लोग ऐसे ही खाते हैं प्रॉपर तरीके से एंड इट्स लुकिंग सुपर गुड। आपके सामने पूरा 15 किलो मीट बना था, यू सॉ स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया। चालू करें पहले खाते हैं तंदूरी चाप से फिर आएंगे मेन चीज़ पे हैं। ये देखो अच्छा जी। ऑलराइट 3 2 1 सब्सक्राइब लेट्स गो इन। मसालेदार। आई कैन इमेजिन शाम को मेरी गाड़ी लगी हो, मतलब मेरी नहीं किसी की भी लगी हो और ये मैं चाप खा रहा हूँ। सुपर गुड। हल्का सा मटन टाइट मसालेदार। हाँ हाँ यहाँ ना ब्लैंड फूड चलता ही नहीं है, मतलब नहीं चलता। इतने तरह के मसाले कहीं तो मैंने सुने नहीं थे। उसने एक व्लॉग में रतन जोड़ डाला था, हमें नहीं पता था। यहाँ पे नई चीज़ देखी, यहाँ अल्कोहल वैल्कोहल डाली थी, पता है यहाँ काम बड़ा प्रॉपर हो रहा है। आ जाओ ये जी रोगन वाली, इसको सीधा ही खाते हैं। ये ग्लेज देखो ऊपर रोगन का, देख रहे हो। हाँ जी पीस रख दिया साइड पे, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अरे इनका शॉर्ट ले लूँ। ये क्या होता है ना टेस्ट ना न्यूट्रल करना होता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़रूर करना शॉर्ट्स को ज़रूर ऑर्डर करना, आज तक नहीं खाया होगा ऐसा। ये लो जी ये निकाली रोटी और ये लिया नली का पीस, प्रॉपर तरीके से पका हुआ। भाई वाह ये देखो अच्छा जी निकाली बाइट और ये ग्रेवी में डिप किया। आई एम सॉरी माई हैंड्स यार, यहाँ पे ना हाथ से काम होता है और जब सर्व ही ऐसे गया था तो एक्सपेक्ट भी करेंगे हम ऐसा खाएं, देखे नहीं है। ऑलराइट लेट्स गो इन। हम दिल्ली वालों के लिए ना कि हरी मिर्च की ज़रूरत नहीं है। स्पाइसी हीट है मटन में। रात को ना अगर ये मिल जाए ओए होए होए मजाक नहीं कर रहा। स्पाइसी लवर जो खाते हैं उनके लिए ट्रीट है ये, मज़ा आ गया। ये ब्लैक पेपर नान ले। आ जाओ जी आ जाओ। ग्रेवी से खाना है इसको डाले। ग्रेवी से खाएं पीस मत ले। मैं ग्रेवी खाऊंगा पीस यार मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन नहीं मान रहा। मज़ा आ रहा खाने में यार। लाल रंग का रोगन, अगर ये है ना राजपूताना मटन तो हम तो बहुत ब्लैंड खाते हैं। ये लोग क्लेम करते हैं कुछ नहीं कहेगा सेहत को, ट्राई कर लेना 3 घंटे में हजम, फिर और मांगोगे। मज़ा आ गया। स्क्रीन पर रेटिंग आ गई या ऐसा है
दो बातें पहले बता दूँ, आने से पहले प्रिपेयर्ड आना, स्पाइसी है और तभी आना अगर आप स्पाइसी के शौकीन हो, कहीं ऐसा ना हो पानी मांगते रहो। दूसरी चीज़, नॉन वेज लवर हो, 450 कीमत है पूरी प्लेट की, अब मज़ा आ गया। साथ में मिन शॉट्स है ना, ये मिन शॉट्स फ्री होते हैं? फ्री हैं, मांगते रहना, मज़ा आ जाएगा। एनी वे जितना खाता खाता हूँ, थोड़ा पैक करा के ले जाऊँगा दिल्ली, फिर आपसे मिलता हूँ। कुछ बात नहीं करने का मन। एक पूरी प्लेट खाई है, पूरी खाई है, पूरी खाई है, वेस्ट तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये ना होट लाल हो गया, मज़ा आ गया खा के, रुक ही नहीं पा रहा था यार मैं। जायका सिंस 1996, व्हाट अ वंडरफुल नेम, 10 में से 10 नंबर रेटिंग में देता नहीं हूँ वैसे, स्क्रीन स्क्रीन में लिखे आते हैं हमेशा। थैंक यू पृथ्वी, वेलकम सर, मीन्स अ लॉट। और जो आपने काम किया है ना, सीरियसली यार, ट्राई कर लेना कुछ भी, जो मैंने किया है वो तो पक्का करना। आई थिंक दे आर ग्रेट, वेरी डाउन टू अर्थ, बोथ फादर एंड सन, एंड दैट्स व्हाट वी लाइक, यंग कुक, और आगे मुझे फ्यूचर दिख रहा है इनका। हालांकि नो वन टू प्रिडिक्ट, बट स्टिल माई ब्लेसिंग्स विद यू एंड योर फैमिली एंड योर फूड। ठीक है, आगे ट्राई कर लेना, जायका टेक अवे 1996 इन जयपुर। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स डाल दूंगा। ना मिले एक मिनट फ़ोन करके परेशान करना, पहुँचना, ट्राई द फूड एंड लीव अ कॉमेंट। कुछ बोलना है? नहीं नहीं, बस थैंक यू शोएब और थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, आप लोगों की वजह से सब कुछ इतना बिल्ड हुआ है, मतलब मेहनत और लगन भी जोड़ो आपकी अपनी। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ग्रो। इंस्टा पे अरोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब अरोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय, बोलो बाय बाय।